दोस्तों सब्सक्राइब करें हुंकार 24/7 को, दबाएं इस बेल आइकन को और देखें हमारी वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। इस समय हम यहाँ जयपुर में एक ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं जहाँ तीन तलाक के मुद्दे पर हमारी एक छोटी सी डिबेट होने वाली है। तीन तलाक एक ऐसा मुद्दा, इस्लाम में तीन तलाक के लिए क्या कहा गया है, हमारे कुरान पाक में इसके लिए क्या कहा गया, हदीस में क्या कहा गया। आज केंद्र सरकार लोकसभा में बिल लाई, लोकसभा से पारित करके राज्यसभा में भेज दिया, राज्यसभा से यह कानून जो है अभी तक पास नहीं हुआ है। इस कानून को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की गई थी तीन तलाक के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस तीन तलाक को असंवैधानिक करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि कुरान और हदीस में तीन तलाक की जो वर्तमान व्यवस्था चल रही है ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया सरकार को कानून लाने के लिए। विपक्ष और विरोध में जो लोग हैं, हर राजनीतिक दल से ये अपील की गई कि सारा विरोध और सारा विपक्ष की बात को हटा करके राजनीतिक दल की भावना से ऊपर उठ करके एक ऐसा कानून लाएं ताकि इस्लाम में मुस्लिम धर्म की महिलाओं को तीन तलाक रूपी जो राक्षस है इससे मुक्ति मिल सके। सरकार का ये कहना, इसके लिए आम लोगों की राय ली जानी है और वही आम लोगों की राय लेने के लिए हम यहाँ इस डिबेट में बैठे हुए हैं। और इस डिबेट में इस समय हमारे साथ हैं यहाँ के जाने माने नामचीन सलीम मंसूरी साहब, जनाब वाहिद खान साहब और जनाब मोहम्मद परवेज शाह। इसी तीन तलाक के मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ इस समय हैं यहाँ के जाने माने समीर मंसूरी साहब, जनाब वाहिद खान साहब और जनाब मोहम्मद परवेज साहब। समीर साहब, सबसे पहले आप बतलाइए, आप तीन तलाक को किस नजरिए से देखते हैं और कुरान पाक में इसके लिए क्या कहा गया है? कि ऐसा है, तीन तलाक जो है ये हमारे मजहब के हिसाब से, हमारे हदीस के हिसाब से तो पहले भी गलत है। हमारे मजहब के, हमारे कुरान पाक के हिसाब से, हमारे हुजूर पाक के हिसाब से ये पहले ही गलत है कि तलाक देने से कहा गया है कि एक अनपढ़ आदमी भी जानता है कि जमीन और आसमान दोनों हिल जाती है, ये गलत चीज़ है, तलाक नहीं देनी चाहिए। और आज के समय के हिसाब से आज जो है चेंजिंग हुआ है उसमें इस तरीके से हो रहा है, तीन बच्चे की माँ, चार बच्चे की माँ को तलाक दे देना ये कोई जायज़ नहीं है, एक गुनाह है, एक ऐसा गुनाह है जिस तरीके से किसी को कत्ल कर देना, ठीक है, उसमें दोनों के लिए प्रावधान होना चाहिए। लेकिन जहाँ पे आपने बच्चे पैदा करने के बाद आप उसको तलाक देते हो ये कोई हमारे ये कहते आज के हिसाब से वो जायज़ नहीं है। हमारा मजहब भी ये नहीं बताता कि इस तरीके से किसी को हम जो है वे एक बच्चे की क्या गुनाह है, वो बगैर बाप का जी सकता है, ठीक है, उसका बाप होते हुए बाप से अलग रहेगा, उसकी माँ होते हुए माँ से अलग रहेगा, तो यहाँ पे सोचने वाली बात है। हम ऐसे भारत के संविधान में हम सबसे पहले हम एक भारत का वासी है, हम अपने वतन के लिए कहते हैं, जो भारत का संविधान है, जो भारत का कानून है वो भारत को कानून को मानते हैं। आज हमारे देश में किसी भी तरह के आज कानून नहीं हो तो कोई भी किसी भी धर्म के मानने वाले लोग किसी भी तरह का घटना घटता रहता है। और हमारा भारत का ये संविधान है, कानून है, कानून से उस धर्म वाले को भी धर्म के आड़ में बच नहीं सकता। जिस तरीके से आपने देखा कि बहुत अच्छे अच्छे अभी जो है जो धर्म गुरु थे जैसे आसाराम बापू, राम रहीम, यानी हमारे में भी हो और किसी धर्म में भी हो, उनको भी भारत के कानून की वजह से उनके जेल को सलाखों के पीछे है। आज अगर भारत के कानून नहीं हो तो उनके समर्थक आज भी उनको बाहर कर दें। तो हम भारत के कानून, एक कानून व्यवस्था के अंदर रहना, हमें भारत में रहना है। हर देश का अपना अपना कानून होता है। आज हमारे मुसलमानों के लिए सऊदी अरब मक्का जो मुस्लिम कंट्री है, वहाँ भी मुस्लिम कंट्री में मुसलमानों के लिए, वहाँ में उस कंट्री में मुसलमानों का अपना, उस देश का अपना संविधान है, अपना कानून है, उस कानून के तहत वहाँ के लोग जीते। हम भारतवासी हैं, सबसे पहले हमारा भारत का कानून होना चाहिए।
और बिल्कुल आपके इस्लाम में भी पुराने पाक में ये बात आती है कि जिस मुल्क में आप रहते हैं उस मुल्क के कानून को मानना आपका फर्ज है, आप पे जायज है। जनाब वाहिद खान साहब, आपसे जानना चाहूंगा तलाक को लेकर के आपका क्या नजरिया है। देखिए, तलाक के बारे में हम पूरा ये जानते हैं अच्छी तरह से, हदीस में कुरान में भी है कि तलाक जो है बहुत देना बहुत बुरी बात है, तलाक दिया ले जाता है। और तलाक का जो मसला है, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस में है, कलाम पाक में भी है कि अगर तलाक जो है दिया जाए, कब दिया जाए, उसका भी हालात बताया गया है कि माँ बाप का अगर कहना नहीं मानती है वो, शौहर का कहना नहीं मानती है वो, या बहुत ज़्यादा उसके अंदर बिगाड़ है, वो बेपर्दगी करती है या बात सवर की नहीं मानती है, कोई काम नहीं करती है, तो उस पर तलाक आया है। तो तलाक आया तरीके से आया है, इस्लाम में भी ये बात का है कि उसको एक तलाक दे करके उसको डरवाए धमकाया जाए ताकि वो डर जाए, वो ऐसी हरकतें ना करे। तीन बार आया है और तीन बार लगातार तलाक देना वो भी तो कानून इस्लाम में भी मना है। वैसे भी हम नहीं दे सकते कि तीन तलाक जो है भाई करा वो भी गलत है, ये नहीं। लेकिन जो सरकार बना रही है कि तीन तलाक देने के बाद जो है उसको जो है सजा दिया जाएगा, एक साल दो साल तीन साल की, उसको कानून बनाया जाए, तो ये गलत है। उसके बाल बच्चों को कौन खर्चा देगा, इसकी जिम्मेदारी भी सरकार नहीं ले रही है, तो ये इसके खिलाफ है। इस्लाम इस चीज को बिल्कुल नहीं सहन करेगा, मुसलमान नहीं सहन करेगा। मतलब आपका हम बिल्कुल खिलाफ है इसके। तीन तलाक जो है बिल्कुल जो है जायज है और सही है, अगर जो मसला हमने बताया है कि अगर औरत कहना नहीं मानती है, शौहर के बात नहीं मानती है, बेपर्दगी करती है, घर में किसी का कहना नहीं मानते, तो तीन तलाक को दे सकता है। लेकिन उसका तरीका है कि एक तलाक दे और उसमें एक तलाक देने के बाद जो है एक महीने के बाद फिर दूसरा भी अगर ना माने तो फिर दे सकता है वो, फिर तीसरे महीने में भी अगर नहीं मानती है तो तलाक दे सकता है, तो तलाक हो जाएगा। लेकिन एक बैग तीन तलाक देना वो भी मना है, शरीयत में भी मना है। तो जो कानून, जिस कानून की बात हो रही है, जो कानून लाया जा रहा है वो एक कानून पे नहीं लाया जा रहा है, दो पे नहीं लाया जा रहा है, जो बात होती है तीन तलाक, एकदम अचानक से आप यहाँ से कहीं दूर बैठे हैं और वहां से तीन बार तलाक 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 बोल दिया, इसके खिलाफ ये कानून। हमने भी कहा कि तीन तलाक नहीं माना जाएगा, तो इसमें सजा किस बात की है? हम भी कहते हैं कि तीन तलाक नहीं माना जाएगा, जब नहीं माना जाएगा तो बात खत्म हो गई। तो इस पे जो है फिर जो सजा की बात जो आई है तो वो बिल्कुल गलत है। तो सजा किस बात की दिया है? उसके बच्चों कौन खर्चा देगा? नहीं, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस पर कानून इसलिए बनना चाहिए कि कुछ लोग इस तीन तलाक की आड़ में जो है नाजायज कर रहे हैं उस महिला के साथ, उस बच्चे के साथ। तो इस्लाम ने तो इसको मना किया कि तीन तलाक जो ऐसा देता है उसको दंड किया जाए, उसको फांसी दिया जाए, ऐसे लोगों को दंड दिया जाए। हम तो अभी भी कह रहे हैं उसी दंड के प्रावधान की बात सुप्रीम कोर्ट करता है और सरकार इसलिए नहीं। तो यहाँ पे गलत है ना, तीन तलाक कहने के बाद हम पहली बात तो मानते भी नहीं, इस्लाम भी इस बात को नहीं मानता, तीन तलाक जो दिया वो नहीं हुआ, हुआ ही नहीं, तो फिर दंड किस बात का? किस बात का वो जेल जाएगा भाई? फिर उसके बच्चों कौन देखेगा, उसका खर्चा कौन देगा? ये भी तो जरूरी है, क्या वो उसके बच्चों को कौन देगा? वो भी जिम्मेदारी नहीं। मान लिया गरीब आदमी है, वो अपना डेली जो है कमाता है, खाता है, मान लिया उसके नहीं पड़ती है, तलाक दे दिया तीन तलाक। पहली बात तो कोई सरकार भी नहीं मान रही है, ना इस्लाम में इसे कहता है, ठीक है नहीं माना हमने, तो फिर वो जेल क्यों जाएगा? उसका खर्चा कौन, उसके बच्चों कौन देगा? वो तो कोई कमाने वाला है, जेल चला गया कमाने वाला, फिर उसका कौन खर्चा उठाएगा? कुल मिला के आपके बात से ये निकल के सामने आ रही है बात की तीन तलाक यदि किसी ने दिया और जायज तरीके से दिया, यदि सचमुच वह तीन तलाक की अधिकारी है महिला, उसने शौहर की इज्जत नहीं करी, सास ससुर की इज्जत नहीं करी, वो पैमाना जो तय किया गया था उसको लांघ गई, वो बेपर्दे में आ गई, उसको तीन तलाक देना जायज है और वहां पे सजा नहीं मिलनी चाहिए, ये कहना चाहिए। बिल्कुल 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 जायज है ये, अगर ऐसे ऑटो किया जाए तो जायज है वो। जनाब परवेश साहब, आपसे जानना चाहूंगा सरकार जो कानून ला रही है और इसमें जो सजा का प्रावधान किया जा रहा है, इस पर क्या कहना है आपका? सजा के खिलाफ कभी करीब पब्लिक तो एक तलक रही है, सजा नहीं होनी चाहिए। मतलब तो दूसरा रास्ता निकाला जाए, बीवी तो चलिए बह जाएगी, बच्चे भी कहाँ जाएंगे? कानून बनाया जाए, ये बात नहीं है कानून नहीं बनाया जाए, इंडिया में है कानून। बताइए, मैं ये कहना चाहता हूँ, हम लोग को इतना जानकारी नहीं है, हमारे उलमा कराम से जितने जितने हैं वो कुरान हदीस हम लोग से ज्यादा जानते हैं इस मैटर में, तो वो लोग ज्यादा ही बता सकते हैं, हम लोग तो इतनी जानकारी रखते नहीं है। लेकिन ये बोल रहे हैं कि सजा हो जाएगी तो बच्चे क्या करेंगे, बच्चे कहाँ खाएंगे, कहाँ से पिएंगे? कानून बनना चाहिए, ये इंडिया है, हर कानून से चलता है, हर संविधान से चलता है।
नहीं, जो बात परवेश साहब यहाँ पे ये है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि यदि आप मानते हैं कि तीन तलाक नाजायज है, यह एक गलत काम हो रहा है, तो गलत काम करने वाले को सजा क्यों नहीं होना चाहिए? सजा होना चाहिए, ये नहीं कि सजा के वो जेल चला जाए। नहीं, जो गलत करेगा वो जेल जाएगा। गलत तो है ही, तीन तलाक तो गलत है ही, तलाक देना सब बताए भी अगर एक जवान तीन तलाक देता है वो तो गलत है, उसको हम भी नहीं मानते, कोई इस्लाम भी नहीं मानता। कुछ लोगों ने तीन तलाक की आड़ में एक तरह से पेशा बना लिया। ये जो रिट याचिका दायर हुई ये किसी मुस्लिम महिला के द्वारा ही दायर हुई और उस मुस्लिम महिला के समर्थन में बहुत सारी महिलाएं उतरी और इन्होंने ही सुप्रीम कोर्ट में इस बात को रखा। अब सवाल पैदा होता है कि यदि तीन तलाक गलत है तो कानून बनना चाहिए, आप इसके पक्ष में हैं? बिल्कुल बनना चाहिए, इसका कानून बने और उसको सजा दिया जाए। हम तो कहते हैं कि ऐसे आदमी को सजाए मौत दिया जाए, ऐसा बने कानून जी, उस पर दंड नहीं रखना बल्कि उसको सजाए मौत दिया जाए। जो एक बैग तीन तलाक का जो है इस तरह कहता है बीवी भी ठीक है और उसमें नाजायज करता है वो, गलत बोलता है वो, तो वो जो है तीन तलाक एक बैग दिया है अगर, तो इस्लाम भी इसके खिलाफ है। इस्लाम भी इसके खिलाफ है जी। हाँ, मंसूरी साहब आप बताइए, समीर मंसूरी साहब जी, तीन तलाक या कुरान पाक की बात कर लें, हदीस की बात कर लें, तो यहाँ पे तीन बिद्दत की बात आती है और उसमें 90 दिनों की इद्दत की बात आती है जी। यदि कोई मसला फंस गया, कोई डिस्प्यूट हो गया परिवार में और मियां बीवी का आपस में नहीं बन रहा है, अनबन हो गई, तलाक की नौबत आ गई, तो कहता है कि 90 दिन के अंदर गांव के घर के मोहल्ले के रिश्तेदारी के बड़े बुजुर्ग मिल करके इसको कंप्रोमाइज करने की कोशिश करें जी, उस परिवार को टूटने से बचाया जाए और फिर से जो है उस घर को बसा दिया जाए, यहाँ तक व्यवस्था इसमें दी गई। नहीं, ऐसा इसलिए किया गया था, वो हमारे मुसलमानों को, हमारी मजहब मुसलमान मजहब जो है इस्लाम मजहब एक ऐसी मजहब है कि दुनिया में सबसे प्यारा मजहब है, इसमें हर बातों पे, हर चीज़ों पे सलाहियत दिया गया। ये तीन तलाक या बिद्दत इसलिए दिया गया कि इस तरीके से आप बहुत बुरी तरह से मजबूर हो जी, परेशान हो जी, और आप दोनों एक साथ जिंदगी नहीं बिता सकते हो, ऐसी हालात में आप दोनों एक जगह नहीं जी सकते हो, तो उस हर जगह इस्लाम ने सलाहियत दी कि इस तरीके से आप अपना बिद्दत देकर, इद्दत देकर इनका जो निकाहनामा है और 3 महीने तक की देकर के इसको खत्म कर सकते और अपना अलग जिंदगी फिर से जी सकते, आप कोई बंदिश में नहीं हो। लेकिन उसे गलत यूज करने के लिए ऐसा कुछ इस्लाम ने नहीं बताया, एक विधवा के साथ शादी करने के लिए, एक विकलांग महिला के साथ शादी करने के लिए, एक अंधे महिला के साथ शादी करने के लिए इस्लाम में इन सारी चीज़ों के आया कि मजबूरियों के साथ आप 2-3 निकाह भी करा सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं आया कि आप निकाह के लिए फ्री हो कि इधर तलाक दिया उधर आप जो है दूसरी शादी कर ली। एक और इसमें आता है कि आज के युवा पीढ़ी में ऐसा आता है, जैसे अभी हमारे वहीद खान साहब ने बताया कि इस तरीके से है कि अगर वो चले जाएंगे जेल तो उनके बच्चे क्या खाएंगे, अगर आज किसी को कोई हत्या कर देता है तो उसके भी छोटे छोटे बच्चा है, अगर हमारा देश का संविधान, हमारा देश का कानून है, अगर उसको बच्चों को देखे तो उसको सजा भी होगा बिल्कुल, अगर उसकी बच्चों को खाना खिलाना है तो ऐसे बहुत सारे लोग जेल में पड़े हैं जिनके बच्चे बेगर बाप के हैं, अगर वो गलतियां करेगा तभी तो सजा मिलेगी। अगर एक कानून का डर होता है, आज एक कानून है, आज आप देख लो छोटी सी मामला, मुसलमान को दारू पीना हराम है, ये हमारे इस्लाम में हदीस में है, लेकिन मैं कहता हूं मैं भी एक मुसलमान हूं, 50% से ज्यादा मुसलमान दारू शराब पीता है हराम हो जानते हुए भी जी, ये क्यों, ये तो मजहब में नाजायज बताया है, तो जब हम अपने मजहब को मुसलमान मान लेता तो शराब छूता ही नहीं। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में जो है कानून लगाकर वहां शराब और दारू को बंद करा दिया जी, तो कानून के तहत वहां के लोग नहीं पी रहे, इससे पहले तो लोग पीते थे, तो कानून कानून है। आज एक पुलिस वाला वर्दी उतार के आपके सामने चला है तो उसके सामने कोई नहीं डरेगा, उसकी वर्दी का, हमारे भारतीय संविधान एक वर्दी का, उस कानून का हम इज्जत करते हैं, वर्दी का करते हैं, अगर एक वो भी आम आदमी है, तो इस तरह के कानून के दायरे में लोगों को डर होना चाहिए।
जब तक डर नहीं होगा। मजहब भी एक डर है, हम अल्लाह से डरते हैं जी, किसी भी मजहब में कोई भगवान से डरता है, कोई अपने रब से डरता है, डर है इंसान के सीने में, तो उसका मजहब है, उसका सब चीज है। जो डर खत्म हो गया, आज तलाक दे दिया, अब इम्तहान वो घूम रहा है, उसकी बीवी रोज कोर्ट में चक्कर लगा रही है, उसे कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो उसके खिलाफ ऐसा कानून बने, तो इस कानून के लिए हम कहते हैं कि देश के सभी अपने मुस्लिम भाइयों से कहते हैं कि वो आज मुसलमानों के लिए ये कोई वो नहीं है। आज आपकी आप हम एक मान लो युवा है, कल एक हमारे भी दो लड़कियां होंगे, चार लड़कियां होंगे, या एक दो बेटियां होंगे, हम भी बाप बनेंगे जी हाँ। और हर बाप के लिए जब उसके अपने उम्र में एक शादीशुदा बेटी अगर अपने माँ बाप के घर पे अगर बैठी होती है, उस हालात में पूछे ऐसे लोग जो इस भारत के इस कानून को और कहता है कि तीन तलाक गलत है, और ये है कि उसके घर पे एक जवान बेटियां बैठी होती है जिस उम्र में उनको इस तरीके से झेलना पड़ता है, तो इस तरीके से हम तो कहते हैं इस पे सख्त कानून और भी बनना चाहिए कि लोग ऐसी गलतियां करें नहीं। और भारत के कानून को और संविधान के और मैं सुप्रीम कोर्ट के कानून को आदेश को मानता हूं, मैं पालन करने के लिए लोगों को आदेश देता हूं, मैं लोगों से अपील करूंगा कि ऐसा होना चाहिए। मंसूरी साहब आपकी बात जायज है, आपका कहना है कानून बनना चाहिए। वाहिद खान साहब का भी कहना है कि ऐसे लोगों को उम्र कैद की भी सजा दी जानी चाहिए। तीन तलाक के साथ साथ एक शब्द आता है, एक लफ्ज आता है हलाला। हलाला जो है मीडिया में आया, खबरों में आई बात कि हलाला के आड़ में भी बहुत सारे नाजायज कर्म हो रहे हैं, दुष्कर्म हो रहे हैं, क्या कहना? मेरे हिसाब से अगर हलाला के नाम पे अगर कोई ऐसा नाजायज काम हो रहा है, लोग धंधा बना रखे हैं जी, तो ऐसे भी कानून शब्द बने इस पे कि दोबारा ऐसा नौबत ना आए और उसको सख्त सख्त सजा दिया जाए, यहाँ तक कि उम्र कैद और फांसी हो जाए उस पर। मैं चाहता हूँ, हर मुसलमान चाहता है हिंदुस्तान का कि ऐसा कानून बने जो लोग ऐसा बिजनेस बना रखे हैं या इसका जो लोग जो दुरुपयोग करते हैं, ऐसा सजा बने जो कि कोई एक बार हो जाए तो जिंदगी में कोई ये काम ना करे, ये सजा जरूर हो और उनको कठोरतम सजा हो। ये नहीं कि दो महीना तीन महीने का हो, हम तो कभी नहीं चाहेंगे, ये सजा हो या तो आजीवन कारावास हो या तो फांसी हो जाए ऐसे लोगों की जो बिना गलती के बिना उसके जो तलाक देते हैं मजा लेने के लिए या बिजनेस बना लिए हैं या कोई उसका धोखा देने के लिए, तो ऐसे लोगों को सजा होनी चाहिए और कानून सख्त बने अगर बने जो। अब मंसूरी साहब आप बताइए, लोकसभा में ये बिल पास हो गया, राज्यसभा में जाने के बाद से विरोधी पार्टियों ने विपक्षियों ने जो है इसका विरोध कर दिया और ये बिल पास नहीं हुआ, विरोध करने वाले नेताओं के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए ऐसे पे किसी भी तरह के जो भी नेता इसको विरोध कर रहे हैं उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमने इससे पहले जब लोकसभा में हुआ तो कांग्रेस ने भी इसका समर्थन किया जी। हमने पेपर में पढ़ा और सुना, कांग्रेस ने भी राहुल जी ने भी और इसको समर्थन किया कि सभी ने मिलकर समर्थन किया। राज्यसभा में जिस तरीके से इसे विरोध किया गया है ये अच्छी नहीं। देखिए ये कानून है और जब हित के जब किसी के हित के लिए आज एक देश के जिस 60 साल से आजादी के बाद आज एक मुस्लिम महिलाओं को न्याय और इंसाफ मिलने जा रहा है, तो उसमें आप जो है पॉलिटिक्स और राजनीति कर रहे हैं, ऐसे नेताओं को इस सियासत में धर्म ज्ञान में करना चाहिए। ये हमारा भारतीय संविधान में आज हमें ये हमारा बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने जब ये संविधान लिखा तो उसमें ऐसा कहा कि समय समय पर संशोधन होगा संविधान में, जब जरूरत पड़ेगी कानून बनाया जाएगा जी। और आज हमारे देश में आज हम जो है नए युवा पीढ़ियों के लिए इसका नए युवा पीढ़ी इस बात को समझता नहीं है, अपने मजहब को नहीं समझता, अपने अपने माँ बाप को नहीं समझता, अपने घर रिश्तेदार को नहीं समझता। आज बता दीजिए, आज कोई भी इंसान बता दे कि पहले लोग पंचायत में फैसला कर दिया करते थे, पंचों की फैसला मान होता था, आज पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा जगह हो जहां पंच को कोई मानता है? अगर हमारा देश का अगर कोर्ट और कानून नहीं हो तो लोग मर मिटे एक दिन में, क्योंकि कोई पंचायत नहीं मानता है पंचायत को मानने के लिए। तो ऐसा है, हम ये कहते हैं उन सियासी नेताओं को सभी को इसका समर्थन करना चाहिए, कानून है और ये कानून होगा उस आदमी के लिए होगा जो गलत करेगा जी हाँ। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि आप राजनीतिक दल की भावना से ऊपर उठ करके, आरोप प्रत्यारोप की भावना से ऊपर उठ करके इस कानून को बनने दें, और आम आदमी की मांग भी यही है कि ये कानून बनना चाहिए। इस डिबेट से भी ये बात निकल करके सामने आई। तो
मैं यही चाहूंगा, हम यही चाहेंगे, इस डिबेट में बैठे हुए लोग भी यही चाहते हैं कि तीन तलाक के नाम पर एक सख्त कानून बनाया जाए, ताकि अचानक से तीन तलाक देने वाले लोगों का मनोबल टूटे, एक को देख के दूसरा डरे और यहाँ कानून का राज कायम हो। आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया हमें, इसके लिए आप तीनों लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया।